सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो और आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया और बैंक की भी चक्कर काट लिए, लेकिन दोस्तों अगर आपको आज तक इन दोनों में से कहीं से भी अगर आपको लोन नहीं दिया गया, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे लोन एप्लीकेशन को लेकर आया हूँ जहाँ से आप मिनिमम 5,000 का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ से 5,00,000 तक का लोन ले सकते हो। और आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर काफी अच्छी बात दोस्तों यह है कि यह आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के ही बेस पर आपको यह लोन एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड लोन आपको करा देता है। दोस्तों अगर आप भी लोन के लिए अगर परेशान हो दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। दोस्तों आपको इसमें कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसा फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे, फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है। और जैसे ओपन करोगे दोस्तों, यहां पर आपका सभी ईमेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको कोई सा भी अपना ईमेल यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, मेरा काफी सारा ईमेल यहां पर आपको देखने को मिल गया होगा। तो मैं यहां से अपना कोई सा भी एक ईमेल अपना सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आप भी अपना कोई सा एक ईमेल यहां पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहां पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। उसका नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके दोस्तों आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपका जो भी फोन नंबर यहां पे दोगे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो आपको वहां पे ओटीपी इंटर करके आपको वहां से कंटिन्यू कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करके मैं ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूं। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो कि अब आप यहां से लोन कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आ जाता है चूज ए प्रोडक्ट टू स्टार्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है मतलब 5,00,000 का जो देख सकते हैं सिबिल का दोस्तों, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटर योर नेम का ऑप्शन देखने को यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कन्फर्म का, तो यहाँ से आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहाँ से आप कन्फर्म वाले ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपना इम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पर आप स्टूडेंट हो या सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो यानी पढ़ाई मतलब करते हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, दोस्तों आप यहाँ से स्टूडेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मतलब गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हो या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करते हो, यहाँ सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अगर आप यहाँ से किसान हो या खुद का कोई बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में दोस्तों क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ना पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। पैन कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यस कन्फर्म पैन का ऑप्शन नीचे देखने को आएगा, तो यहाँ से आपको यस कन्फर्म पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यस कन्फर्म पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो योर सिबिल स्कोर यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनका सिबिल स्कोर 699 है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को आ चुका है। दोस्तों तो मैं यहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, तो यहां से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहां से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना सेल्फी अपलोड करना है, तो सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओपन कैमरा का, तो यहाँ से आपको ओपन कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना एक अच्छा सा सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ओपन कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने यहाँ सेल्फी अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों सेल्फी अपलोड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ना आप अपने फेस पर चश्मा पहने रहना, ना टोपी पहने रहना दोस्तों, ना मास्क पहने रहना, एक अच्छा सा यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना सेल्फी अपलोड कर लेता हूं। जैसे वहां से अपना सेल्फी क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों आपको यहां पे सेल्फी यहां पे देखने को मिल जाएगा। उसका नीचे यहां पर आप देख सकते हो, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूज दिस, तो यहाँ से आपको यूज दिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके यहाँ से अपना एक सेल्फी अपलोड कर लेना है। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाता है, जो देख सकते हो कि लेट्स वेरीफाई योर आधार। तो दोस्तों यहाँ से आपको नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा KYC आधार OTP दोस्तों, तो यहाँ से आपको KYC आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक कर लोगे, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। उसका ये वाला कैप्चा को आपको इस बॉक्स में इंटर करके नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो
तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करके वाला कैप्चा को यहाँ पे इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसका दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जिस जो भी फोन नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको इंटर करके वहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेता हूँ, तो आप भी अपने आधार कार्ड को इसी प्रकार से यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का पिन यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का न्यू कोई सा भी पिन यहाँ पे इंटर कर लिया, 6 लेटर का कोई सा भी पिन यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे डिजी लॉकर का 6 लेटर का कोई सा भी पिन इंटर करके मैं ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप कंटिन्यू कर लोगे उसका दोस्तों आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि जो आप आधार कार्ड भी वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके आधार कार्ड पे यही एड्रेस है। तो अगर आपका यही एड्रेस अगर आप यहाँ पर भी रहते हो तो आप यहाँ कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप इस एड्रेस पर अगर आप अभी नहीं रहते हो दोस्तों तो यहाँ पर न्यू एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप न्यू एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया दोस्तों मैं इसी एड्रेस पर भी रहता हूँ, तो मैं यहाँ से सीधा कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे आप वहाँ से कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक किया जा रहा है, यानी कि दोस्तों मेरा लोन यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि मैं यहाँ से कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ इस लोन एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको लगभग 10 से 12 सेकंड यहाँ पे आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं 10 से 12 सेकंड समथिंग मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। जैसे वहाँ पर वेट कर लोगे उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो देख सकते हो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को आ चुका है, और नीचे बताया जा रहा है 48 घंटा में आपको बता दिया जाएगा कि आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन दोस्तों 48 घंटे ऐसे बोलते हैं, आपको यहाँ से 10 से 12 मिनट समथिंग यहाँ पे आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप थोड़ा देर वेट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा जो देख सकते हो। तो अब आपको यहाँ से कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट यहाँ से वेरीफाई करना है। तो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो बैंक अकाउंट वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है प्लीज ट्रांसफर योर बैंक 1 रुपीज, यानी कि दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेज के यहाँ से वेरीफाई करना है कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ से मतलब एक्टिव है या नहीं है। तो 1 रुपया भेजने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जितना भी UPI डिवाइस सभी कुछ यहाँ पे देखने को आ जाएगा, 1 रुपया सेंड यहाँ पे आपका 1 रुपया अमाउंट भी देखने को आ जाएगा, गूगल पे यहाँ पे आपको देखने को आ जाएगा, फोन पे देखने को आ जाएगा, पेटीएम देखने को आ जाएगा, एड UPI भी यहाँ से आप कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपको जैसे भी पेमेंट करना है आप 1 रुपया यहाँ से पेमेंट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, और आपको यहाँ से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से 1 रुपया अपना भेज के अपने यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ अपने बैंक अकाउंट को। यहाँ आप देख सकते हो कि पेड 1 रुपया हो चुका है, जो सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है, जो देख सकते हो फोन पे से मैंने 1 रुपया यहाँ से पेड कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक वेरीफाई सक्सेसफुल, यहाँ पर जो देख सकते हो ओके का ऑप्शन भी देखने को आ चुका है, तो आपका भी इसी प्रकार से आएगा, आपका बैंक यहाँ से वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका बैंक वहां से वेरीफाई हो जाएगा उसका दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप यहाँ से कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे अमाउंट भी आपको देखने को मिल चुका है। दोस्तों मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 25,000 का मैं ऐसे लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों अगर आप भी इतना लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा तो या इससे अधिक या इससे कम भी लोन लेने के लिए आप यहाँ से एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। तो जितना भी लोन लेने के लिए आप एलिजिबल होगे यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ से 25,000 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ, तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेट्स गो, तो यहाँ से आपको लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उससे आपका लोन अमाउंट ऊपर देखने को आ जाएगा, उसके नीचे ठीक आपको सामने मिल जाएगा बोरो का, तो यहाँ से बैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां से बैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपका 25,000 यहाँ पे अमाउंट देखने को आ जाएगा। अब आपके यहाँ से कितना लोन लेना है, यानी कि दोस्तों जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि वो 50,000 लोन यहाँ पे ऑफर किया गया, तो आपको पूरा 50,000 ही लेना है कि वो जो अभी आपको लोन ऑफर करेगा उसमें आप उसमें से आपको 40,000 लोन लेना है। तो आप वो जितना लोन अमाउंट मतलब लेना होगा दोस्तों आप इतना लोन अमाउंट यहाँ पे डाल लीजिए। जितना लोन ऑफर आपको किया जाएगा मैक्सिमम आप उतना लोन वहाँ से ले सकते हो, और मिनिमम आप जितना चाहो उतना यहाँ से आप लोन ले सकते हो। चाहो तो आप इसमें से 10,000 का ले सकते हो, 24,000 का भी ले सकते हो, या मैक्सिमम आप 25,000 का ले सकते हो दोस्तों। तो आप जितना भी लोन लेना होगा आपको यहाँ पे इंटर कर देना है जो देख सकते हो, और उसके बाद नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों जस्ट नाउ में आपके बैंक अकाउंट में ऐसे अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी जाकर सेम इसी प्रकार से जाकर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों काफी अच्छा इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम है स्लाइस, जो देख सकते हो सिंपल लोन एप्लीकेशन है, और काफी शॉर्टली नाम यहाँ पे जो देख सकते हो स्लाइस सीधा नाम है दोस्तों। आप जैसे प्ले स्टोर पर जाकर स्लाइस यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको लोन एप्लीकेशन देखने को आ जाएगा, और इसका रेटिंग देख सकते हैं 4.4 का रेटिंग है, और डाउनलोड यहाँ पर देख सकते हो 10 मिलियन प्लस लोग
टोकन इसको डाउनलोड करके मतलब लोन अभी इसमें से ले चुके हैं। तो दोस्तों आप भी जाकर सिलाई से लोन अप्लीकेशन से जाकर इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको सिलाई से लोन अप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपका सिबिल स्कोर उतना अच्छा नहीं है, या अगर आपके पास सिबिल स्कोर ही नहीं है, बस आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है और आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर अगर आप लोन लेना चाहते हो और मिनिमम अगर आप 5,000 का लोन लेना चाहते हो और मैक्सिमम अगर आप 1,00,000 का लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 50 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी सैलरी स्लिप, कोई भी इनकम प्रूफ, कुछ वहाँ पर अपलोड नहीं करना है। ओनली फॉर पैन कार्ड और आधार कार्ड के ही बेस पर आपको उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन मिलेगा। तो अगर आप भी लोन के लिए अगर परेशान हो गए हो और आपको कहीं से भी लोन नहीं दिया जा रहा है, तो आप जाकर उन 50 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।